वेलकम टू वेब एकेडमी मैं हूं आपकी ट्यूटर मारिया आज मैं आपको एम एस वर् टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में लेक्चर नंबर नाइनटीन के बारे में पढ़ाने जा रही हूं जैसे कि लास्ट टाइम हमने रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस किया और आज हम व्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे आप व्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ व्यू टैब का रिबन ओपन होता है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप जो शो हो रहा है वो व्यू का है व्यूज में रहते हुए यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स की कमांड शो होती हैं जैसे कि यहाँ पर रहते हुए मैं एक फर्ज़ी पैराग्राफ इंसर्ट करती हूँ इज इक्वल टू तो रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट एंड और एंटर करते हैं तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है फर्स्ट कमांड जो आपके पास लेआउट शो हो रहा है वो है रीड मूड का जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लेआउट है वो रीड मूड लेआउट में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर रहते हुए आप अपने डाटा को ईजीली रीड कर सकते हैं इस लेआउट से वापस जाने के लिए आप कीबोर्ड से इसकेप का यूज़ करेंगे नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो प्रिंट लेआउट की है ये वो प्रिंट लेआउट है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर रहते हुए अपने पेज का सेटअप करते हैं मार्जिन अप्लाई करते हैं अपने पेपर को ओरिएंटेशन अप्लाई करते हैं या पेपर का साइज सेलेक्ट करते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट लेआउट में मिल जाती है नेक्स्ट कमांड आपके पास वेब लेआउट की है जैसे ही आप वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा वेब लेआउट में कन्वर्ट हो जाता है वेब लेआउट का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हम किसी वेबसाइट से कोई डाटा कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रहते हुए वेब लेआउट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट कमांड जो शो हो रही है वो आउटलाइन की है आउटलाइन का कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पेपर में हमारे पेज पर रहते हुए कितने पैराग्राफ्स कितनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एड हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड हमारे पास ड्राफ्ट की है ड्राफ्ट में रहते हुए आप मैक्सिमम डाटा को इजीली रीड कर सकते हैं इजीली देख सकते हैं इसके अलावा नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शो का ग्रुप यहाँ पर रहते हुए जैसे कि फर्स्ट कमांड हमारे पास रूलर्स शो हो रहे हैं रूलर्स हमारे पास ये देख रहे हैं आपके कि यहाँ से रूलर्स हमारे शो हो रहे हैं कि यहाँ से आपका टैक्स स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा इस तरह आप यू टैप पे क्लिक करके रूलर्स को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप रूलर्स ऑन करना चाहते हैं ये देखें यहाँ पर रूलर्स ऑफ हो चुके हैं हाइड हो चुके हैं अगर आप अनहाइड या शो करवाना चाहते हैं तो आपने व्यू टैब पे क्लिक करना है करने के बाद आप रूलर्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप रूलर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें कि रूलर्स ऑन हो जाते हैं रूलर्स आपको यहाँ पर गाइड करते हैं कि आपका टैक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है ग्रिड लाइन्स की ग्रेड लाइंस में हमारे पास एक यहाँ पर ग्राफ पेपर होता है जैसे कि आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके यहाँ पे ग्राफ इस तरह से ऑन कर सकते हैं अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसी कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रेड लाइंस ऑफ भी हो जाएंगी नेक्स्ट कमांड आपके पास जो शो हो रही है वो नेविगेशन पेन की यहाँ पर आप क्लिक करके नेविगेशन पेन को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर रहते हुए आपके पास हेडिंग्स हैं पेजज़ हैं उसके बाद आपके पास रिजल्ट है इस तरह से ये पैनल अगर आपके पास वर्ड में रहते हुए होम टैब पे आप क्लिक करते हैं और फाइंड पे यहाँ पर जाकर आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो भी आपके पास यही बॉक्स ओपन होता है यही पैनल ओपन होगा अगर कभी बाय चांस ये ओपन नहीं होता तो आपने व्यू टैब पे क्लिक करना है करने के बाद आप नेविगेशन पैन पे क्लिक करके इस तरह से इसे ऑन कर सकते हैं और इस कमांड को ऑफ़ करने के लिए भी आपने व्यू पे क्लिक करना है करने के बाद आप नेविगेशन पैन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से नेविगेशन पैन ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है जूम की ग्रुप भी हमारे पास जूम का है और कमांड भी जूम की है जैसे ही आप जूम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर रहते हुए आपके पास ये देखें कि आप डिफरेंट टाइप्स के जूम शो हो रहे हैं आप यहाँ पर रहते हुए टू हंड्रेड जूम भी ऐड कर सकते हैं हंड्रेड जूम पे क्लिक करके ओके करते हैं तो देखें कि आपके पास ये हंड्रेड जूम शो हो रहा है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने ज़ूम पे क्लिक करना है करने के बाद 75 mm -hmm. जूम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करते हैं तो इस तरह से आपके पास कंप्लीट पेज शो होगा इसके अलावा फिर आप जूम पे क्लिक करते हैं करने के बाद मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो पेज विर्थ होता है आप पेज वर्थ पर क्लिक करते हैं करने के बाद ओके करते हैं तो आपके पास ये देखें कि इस तरह से पेज वर्थ जूम आपके पास शो हो जाएगा इसके अलावा फिर आप जूम पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट वर्थ पर क्लिक करते हैं तो ओके okay करते हैं तो आपके पास इस तरह से टेक्स्ट वर्थ के लिहाज से आपके पास ये जूम शो हो जाएगा फिर आप जूम पे क्लिक करते हैं करने के बाद आप यहाँ पर होल पेज पे क्लिक करते हैं ओके okay करते हैं तो इस तरह से आप होल पेज भी देख सकते हैं नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो ये है कि आप जूम पे रहते हुए क्लिक करते हैं और आप मैनी पेजेस देखना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं और वो आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आपने मैनी पेजेस पे क्लिक करना है एंड ओके okay करना है तो जैसे ही आप ओके okay करते हैं तो ये देखें कि अभी आपके पास सिर्फ़ एक पेज था और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर करती हूँ तो ये देखें हमारे पास इस तरह से पेजेस इंक्रीज़ होते हैं और मल्टीपल पेजेस हमें एक ही विंडो में शो हो रहे हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज वन पेज पे शो हो वन पेज आपको शो होना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे करने के बाद आपने वन पेज पे क्लिक करना है तो इस तरह से आपके पास वन पेज शो हो जाएगा ये सारी वही कमांड्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं मोस्टली हंड्रेड जूम जो है वो यूज़ किया जाता है आप यहाँ पे क्लिक करें और हंड्रेड जूम इसका हम इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है न्यू विंडो की कि यहाँ पर रहते हुए आप चाहते हैं कि आपके इसी पेज की आपके इसी डाटा की इसी फाइल की एक और कॉपी बननी चाहिए सेम टू सेम ऐसी जो काम आप यहाँ करें वही काम आपका उस फाइल में भी होना चाहिए तो इसके लिए हम न्यू विंडो का यूज़ करते हैं जैसे ही आप न्यू विंडो का यूज़ करते हैं तो ये देखें कि आपके पास एक न्यू विंडो यहाँ क्रिएट हो जाती है इस तरह से ये देखें नीचे आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर दो विंडोज़ हैं आपके पास आप यू टैप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टू विंडोज़ बन जाती हैं जैसे कि यहाँ पर रहते हुए मैं एंटर करती हूँ करने के बाद यहाँ पे कुछ डाटा हम टाइप करते हैं करने के बाद फिर से एंटर करते हैं और मैं ये फ़ाइल ओपन करती हूँ तो देखें कि सेम टू सेम डाटा दोनों फाइल्स में हमारे पास आ रहा है न्यू विंडो का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसी कॉपी या जैसा डाटा हमने एक बार तैयार किया है वैसी ही उसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम न्यू विंडो का यूज़ करते हैं ताकि जो काम हम एक विंडो में रहते हुए कर रहे हैं वो दूसरी विंडो में भी साथ होना चाहिए इसके अलावा नेक्स्ट कमांड जो शो हो रही है अरेंज आल की जैसे कि आपके पास टू डिफरेंट विंडोज़ होती हैं और आप अरेंज करना चाहते हैं तो आप अरेंज आल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कि आपके पास विंडो एक ये शो हो रही है और एक ये शो हो रही है यहाँ पे रहते हुए आप इस तरह से विंडो को एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर वाली फाइल से ऊपर वाले डॉक्यूमेंट से कुछ भी डाटा देख और नीचे टाइप कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर रहते हुए आप कुछ भी इस तरह टाइप कर सकते हैं जो कि दोनों विंडोज़ में हमारे पास सेम टाइप होगा इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके क्रॉस करके एक विंडो को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है स्प्लिट की कि यहाँ पर रहते हुए आप चाहते हैं कि आपकी ये फर्स्ट थ्री लाइन्स यहाँ से मूव नहीं करनी चाहिए अगर आप और पेजेस इन्जर्ट करते हैं या और डाटा इन्जर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी ये फर्स्ट थ्री लाइन्स यहीं पर फ्रीज़ हो जानी चाहिए यहाँ से मूव नहीं करनी चाहिए तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये देखें यहाँ पर रूलर शो होते हैं और एक लाइन शो होगी यहाँ पे आपने क्लिक करना है करने के बाद इस तरह इसे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं करने के बाद अब यहाँ पर रहते हुए आप कोई भी डाटा इंसर्ट करते हैं या कंट्रोल एंटर करके आप कितने भी पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं तो आपके पास देखें कि ये इतना एरिया यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है यानी कि फ्रीज हो जाता है यहाँ से मूव नहीं करता अगर आप ये रिमूव करना चाहते हैं कि आपके पास ये स्प्लिट यहाँ से रिमूव हो जाए तो आपने रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करना है तो आपके पास वो स्प्लिट यहाँ से रिमूव इजीली हो जाता है नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है व्यू साइड बाय साइड कि जैसे कि आपके पास डिफरेंट विंडोज़ होती हैं या टू डिफ़रेंट विंडोज़ होती हैं और आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके करने के बाद व्यू साइड बाई साइड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें कि इस तरह से दोनों विंडोज़ इस तरह से ओपन हो जाती है इस विंडो का भी यही फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर रहते हुए कोई डाटा यहाँ से देख कर यहाँ पर राइट कर सकते हैं ईजीली इस तरह से आप इसे यहाँ से क्रॉस करके क्लोज़ करते हैं करने के बाद नेक्स्ट विंडो जो आपके पास शो हो रही है वो है स्विच विंडो की कि यहाँ पर रहते हुए आपके पास डिफरेंट विंडोज़ हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके न्यू विंडोज़ क्रिएट कर लेते हैं हम इस तरह से हमने दो विंडोज़ यहाँ क्रिएट कर ली हैं करने के बाद आप स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर टू विंडोज शो हो रही हैं यहाँ पर रहते हुए आप आपके पास शो हो रही है वो है मैक्रो की मैक्रो ये हमारे पास मैक्रो होता क्या है जैसे कि आप किसी फाइल में रहते हुए नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास शो हो रही है वो है मैक्रो की मैक्रोज हमारे पास होता क्या है जैसे कि आप किसी फाइल में रहते हुए आपको कुछ डाटा डेली बेसिस पे टाइप करना पड़ता है तो आप चाहते हैं कि आपका वो डाटा आप एक बार टाइप करें और उसे सेव कर लें करने के बाद आप कभी भी फाइल ओपन करें कभी भी न्यू डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने लगें तो आप अपनी एक शॉर्ट की है, प्रेस करें तो आपका वो डाटा वहाँ इन्जर्ट हो जाना चाहिए तो उसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल ए करती हूँ और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करती हूँ तो हमारे पास डाटा रिमूव हो जाता है आपने मैक्रो की कमांड पे क्लिक करना है करने के बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें कि रिकॉर्ड मैक्रो का बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर रहते हुए आपने मैक्रो को नेम देना है आपने नेम इस तरह से देना है कि विदाउट स्पेस हो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल ऐड करती हूँ आप जब भी स्पेस के साथ लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ इन्जर्ट नहीं होगा आपने टाइटल लिखा लिखने के बाद आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है करने के बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे यहाँ पर रहते हुए आपने वो शॉर्ट की इंसर्ट करनी है जो आप चाहते हैं कि आपका डाटा सेव हो जाए और आप वो ईजीली प्रेस करें और आपका वो डाटा इंसर्ट हो जाए जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल क्यू प्रेस करती हूँ करने के बाद आपने यहाँ पर असाइन पे क्लिक करना है करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो देखें आपका कर्सर जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर ये देखें कि चेंज हो जाता है होने के बाद आप यहाँ पर रहते हुए जो भी डाटा टाइप करेंगे आपका वो डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा जैसे कि आप यहाँ पर रहते हुए आप कोई नेम टाइप करते हैं करने के बाद आप यहाँ पर टैब का कर यूज़ करते हैं फिर आप यहाँ पर रहते हुए मार्क्स टाइप करते हैं करने के बाद आप टैब का यूज़ करते हैं फिर यहाँ पर रहते हुए आप ऑपटेन टाइप करते हैं करने के बाद आप टेन मार्क्स टाइप कर लेते हैं यहाँ पर हम रहते हुए और फिर आप टैब यूज़ करते हैं करने के बाद यहाँ पर रहते हुए आप यहाँ पे टोटल लिखते हैं जैसे आप यहाँ पर टोटल टाइप करते हैं तो ये देखें कि आपके पास ये इतना सा डाटा आपने लिखा आप चाहते हैं कि आपका ये यह डाटा यहाँ पर सेव हो जाना चाहिए जब भी आप शॉर्ट की प्रेस करें तो आपका ये डाटा इजीली इंसर्ट हो जाए आप यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि हम किसी कंपनी का नेम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स नेम ऐड करते हैं उनके मार्क्स ऐड करते हैं उनके फ़ोन नंबर वगैरह इंसर्ट करते हैं कुछ भी डाटा आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं करने के बाद आपने क्या करना है कि आप मैक्रो की कमांड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रहते हुए देखें कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है अब हम यहाँ पर एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करते हैं आपने फाइल पे जाना है जाने के बाद न्यू पे क्लिक करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो आपके पास ये न्यू फाइल आ जाती है अब आप चाहते हैं आपने जो डाटा वहाँ इंसर्ट किया था आप वो शॉर्ट की यहाँ प्रेस करें और आपका डाटा आना चाहिए जैसे कि हमने शॉर्ट की कंट्रोल क्यू की थी हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये देखें हमारे पास डाटा इंसर्ट हो जाता है फिर से एंटर करते हैं और कंट्रोल क्यू करते हैं तो ये देखें हमारे पास डाटा इंसर्ट हो जाता है इस तरह से हम मैक्रो का यूज़ करके अपने डाटा को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी वक्त किसी भी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये यह रिकॉर्ड यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये की आप अगर प्रेस करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये डाटा नहीं आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं आपने व्यू की टैब पे क्लिक करना है करने के बाद आपने मैक्रो की कमांड पे क्लिक करेंगे और व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर रहते हुए आपके पास मैक्रो का बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर आपने मैक्रो नेम सेलेक्ट करना है जो नेम आपने इंसर्ट किया था जैसे कि मैंने टाइटल किया था आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं करने के बाद डिलीट भी क्लिक करते हैं और येस करते हैं और इसे क्लोज करते हैं अब यहाँ पर रहते हुए हम न्यू फाइल लेते हैं जैसे कि फ़ाइल पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल क्यू प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर और डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके अपने डाटा को इजीली इन्जर्ट कर सकते हैं इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके अपने डाटा को इजीली सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक शॉर्ट की प्रेस करने से आप इजीली वो डाटा इन्जर्ट कर सकते हैं तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एम एस वर्ड में रहते हुए आप व्यू टैब का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं डिफरेंट लेआउट्स का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं पेजेस का जूम किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं विंडोज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अलावा मैक्रोस का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं